नमस्कार, मैं सेल्फ सुचित्रा चौधरी फ्रॉम एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। टुडे वी आर डिस्कसिंग एसिड बेस यूनिट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास बीएससी पार्ट सेकंड। एसिड बेस के अंतर्गत हम पीछे की क्लासेज में डिफरेंट चार थ्योरी को पढ़ चुके हैं, आरएनएस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी एंड सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, या जिसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर डोनर कंसेप्ट भी कह सकते हैं, 1923 में जी एन लुईस के द्वारा दिया गया था। लुईस थ्योरी जो है वो स्पेशली अभी तक हम जितनी भी थ्योरीज पढ़ रहे थे उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर बेसिकली देखा जा रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी द एसिड इज ए स्पीसीज दैट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर व्हाइल ए बेस डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उसे हम एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे हम बेस कहते हैं। We can explain this by this equation. Here a compound A positive, second compound is B negative with a lone pair of electron. This compound donates its lone pair to compound ion A and forms a compound AB. Here the AB is attached with coordinate covalent bond. So जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह सकते हैं। बी निगेटिव आयन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर या लुईस बेस के द्वारा जानते हैं, और ये एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम एडक्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो यदि हम देखें लुईस एसिड और लुईस बेस का बेसिक कंसेप्ट, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस होते हैं। अगर हम अलग टर्म्स के रूप में इसको डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने ही जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल या नाभिक्स ने ही सब्सटेंसेस जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। contain vacant orbitals, as we know these are electrophile substance, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं, तो इसके लिए इनमें vacant orbital होना चाहिए। तो इनमें vacant orbital होता है, and these contain lone pair of electron, जो लुईस बेस होते हैं उनमें lone pair of electron available होगा तभी वह electron pair को donate कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स यदि हम देखते हैं तो लुईस एसिड के एग्जाम्पल होंगे बेरियम फ्लोराइड, बी एस थ्री, बी एफ थ्री एटसेट्रा, एंड फॉर लुईस बेस वी कैन से एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, हाइड्राइड आयन एटसेट्रा। तो बेसिक कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट का जो बेसिक है वो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट के आधार पे हम इनको करते हैं। किसी भी एसिड बेस को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें एक रिएक्शन मेन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ ट्रीट करता है तो वह एक कंपाउंड सॉल्ट बनाता है और उसका मीडियम न्यूट्रल हो जाता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन लुईस एसिड रिएक्ट विद लुईस बेस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड विच इज कॉल्ड एडक्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेन्स लुईस बेस, लुईस एसिड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड जो एडक्ट जो बनता है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से उसी को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे बी ट्राईफ्लोरोब्रोमीन या बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से इसको बी एफ थ्री को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, इन दोनों के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, इस कंपाउंड को हम एडक्ट कहते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यदि हम डिफरेंट थ्योरीज की बात करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के आधार पर हम उनको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आरएनएस थ्योरी में हमने बताया एसिड प्लस बेस तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है,
ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में यदि हम एसिड और बेस क्रिएशन करते हैं तो एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिड वन से इसका कॉन्जुगेट बेस वन बन जाता है और बेस टू से इसका कॉन्जुगेट एसिड एसिड टू बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी व्हेन वी ट्रीट एसिड एंड बेस तो हमें बेस कॉन्जुगेटेड बेस और एसिड उसका प्राप्त होता है। सॉल्वेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं एसिड बेस की, तो एसिड और बेस जब ट्रीट करते हैं तो हमें सॉल्वेंट प्राप्त होता है। लुईस सिस्टम के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एडक्ट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो इस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में एसिड और बेस की रिएक्शन करने से जो प्रोडक्ट बनता है उनको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस एसिड। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है लुईस एसिड भी कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए जो जो क्वालिटी चाहिए वो ही इनमें यहाँ पे लुईस एसिड के लिए लिखी जाएगी। मॉलिक्यूल हुज सेंट्रल एटम है वैकेंट पी ऑर्बिटल और इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यदि किसी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो वैलेंस शेल में तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। फॉर एग्जांपल बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, यहाँ पे बेरिलियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अर्थात इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। यदि हम BeF3 की बात करते हैं तो BE के वैलेंस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे होंगे, यह भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो जिसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है या उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है तो वह लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकंड मॉलिक्यूल्स हुज सेंट्रल एटम है वैकेंट डी ऑर्बिटल, यदि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल वैकेंट हो तो वह भी लुईस एसिड की तरह ही बिहेव करेगा। अर्थात चाहे पी वैकेंट ऑर्बिटल हो चाहे डी वैकेंट ऑर्बिटल हो दोनों ही कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, DeX4, TeCl4, SF4 एटसेट्रा। फिर मॉलिक्यूल हु सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल बॉन्ड, यदि किसी का सेंट्रल एटम यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंपल कैटायन विथ लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जितने भी कैटायन्स होते हैं वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कैटायन का मींस उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस बच जाएगी आने के लिए, तो जितने भी कैटायन्स होते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स विच हैव ए सेक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यदि उनके वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हो तो वह भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। किसी कहने का तात्पर्य किसी भी तरीके से यदि किसी मॉलिक्यूल या एटम के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है या फ्री पी और डी ऑर्बिटल है या उस पे पॉजिटिव आयन है तो वे सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ लुईस बेस, तो लुईस बेस वे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट है पिरिडीन एंड डेरिवेटिव ऑफ पिरिडीन हैव द एबिलिटी टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो दीस कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज लुईस बेस। द कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एंड टेलुरियम अर्थात 16th ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स हों किसी कंपाउंड में, तो दे एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 एंड आर जनरली ट्रीट एज लुईस बेस। एग्जाम्पल ऑफ सच कंपाउंड्स इंक्लूड वाटर एंड कीटोन्स। द सिंपल एनायन विच हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर कैन ऑल्सो एक्ट एज एन लुईस बेस बाय डोनेटिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल ऑफ सच इंक्लूड हाइड्राइड एंड फ्लोराइड, यदि उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइड्राइड मतलब
एच निगेटिव दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लोराइड, इवन सम कॉम्प्लेक्स एनायन सच एज सल्फेट एनायन कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा द पाई सिस्टम विच आर इन रिच इन इलेक्ट्रॉन, जो पाई सिस्टम जिनमें पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं सच एज बेंजीन इथाइन एंड इथीन, एग्जिबिट ग्रेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेबिलिटीज। तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं जिनके पास में पाई सिस्टम होता है जो कि रिच इन इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि जब कोई लुईस एसिड की बेस के साथ रिएक्शन बनाते हैं करते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को हम एडक्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जानते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयंस और कोऑर्डिनेशन। कॉम्प्लेक्स आयंस आर पॉलीएटॉमिक आयंस, ये आप पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं। ये एक तरह से पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जिस इससे बने होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है और उसके साथ में स्मॉलर आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। व्हाइल ब्रॉनस्टेड थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, लुईस एसिड बेस थ्योरी कैन हेल्प। ए लुईस बेस इज ऑफन द लिगेंड ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द मेटल एक्टिंग एज द लुईस एसिड। अर्थात जो लुईस बेस होते हैं इज ऑफन द लिगेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड यहाँ पर लुईस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। मेटल आयन में वैकेंट डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो मेटल आयन यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। हम इस एग्जांपल को इस रिएक्शन से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद वाटर मॉलिक्यूल, तो एल्यूमिनियम 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दीज आर लिगेंड्स, और इसे हम लुईस बेस के द्वारा भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लुईस बेस है, एल्यूमिनियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये आसानी से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड है, और ये दोनों मिलकर के हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम आयन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम आयन इज अ मेटल एंड इज अ कैटायन विद एन अनफिल्ड वैलेंस शेल एंड इट इज लुईस एसिड। वाटर हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड इट एन एनायन, दस इट इज ए लुईस बेस। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये आसानी से एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, तो एल्यूमिनियम लुईस एसिड हो गया, वाटर लुईस बेस हो गया, और इससे फाइनली कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलेंगे जिसमें मेटल डिफरेंट लिगेंड के साथ में जुड़कर डिफरेंट ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है। इन्हीं में से एक एग्जांपल यदि हम डिस्कस करें, व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल तो दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे अमोनिया क्या है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज है, तो इसको हम लुईस बेस के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे, और जिंक +2 मेटल आयन है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये इस लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम लुईस एसिड में कैटेगराइज करेंगे। तो द लुईस एसिड इज द जिंक आयन एंड द लुईस बेस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। इनकी क्या उपयोगिता है डिफरेंट रिएक्शंस में उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेस आर प्रोवाइडेड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी लुईस एसिड प्ले ए वाइटल रोल एज ए कैटलिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड का मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेप्ट्स ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द क्लोराइड आयन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम AlCl4 negative in the Friedel-Crafts alkylation process, and this also leads to formation of highly electrophilic carbonium ion, which acts as a strong Lewis acid. The chemical reaction can be written as follows. यहाँ पर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सबसे पहले वह है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा,
और AlCl4 निगेटिव बनाता है। और फिर इस जो प्रोसेस होता है यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनता है, R पॉजिटिव आयन, और AlCl4 निगेटिव आयन बनता है। तो ये जो R पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनियम आयन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ल्यूइस एसिड्स आर वाइडली यूज्ड टू एनकरेज मेनी कैटायनिक और स्यूडो कैटायनिक केमिकल रिएक्शंस। अर्थात ल्यूइस एसिड्स डिफरेंट कैटायनिक और स्यूडो कैटायनिक रिएक्शंस को एनकरेज करते हैं। ल्यूइस बेसिस हैव इमेंस एप्लीकेशंस इन मॉडिफिकेशन ऑफ सेलेक्टिविटी एंड द एक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कैटलिस्ट। मेटेलिक कैटलिस्ट जो होते हैं उनकी सेलेक्टिविटी और एक्टिविटी में मेन रोल होता है ल्यूइस बेसिस का। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एसिमेट्रिक कैटालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनेंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस। इन ऑर्डर टू इनेबल एसिमेट्रिक कैटालिसिस काइरल ल्यूइस बेसिस आर ऑफन यूज्ड टू कन्फर किरेलिटी ऑन कैटालिस्ट। इसी तरह से सेवरल ल्यूइस बेसिस हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मैनी बॉन्ड्स विद ल्यूइस एसिड्स। जो ल्यूइस बेस होते हैं, कुछ ल्यूइस बेस वो ल्यूइस एसिड के साथ में बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मल्टी डेंटेट ल्यूइस बेसिस, जो एक से ज्यादा ल्यूइस एसिड के साथ में बॉन्ड बनाते हैं बेस, तब उसको मल्टी डेंटेट ल्यूइस बेस कहते हैं या किलेटिंग एजेंट कहते हैं। एंड हैव ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। के साथ एसिड बेस चैप्टर यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।